दौलत सिर्फ 11 रन से जीत पाया था। वहीं शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में ईशान किशन के कंधों पर बतौर ओपनर रन बनाने का भार भी आज मैच में होने जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान की आज आमने सामने टक्कर होने जा रही है। भारतीय टीम यह मैच जीतकर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बराबरी करना जरूर चाहेगी। ये दोनों टीमें विश्व कप में अपने शुरुआती दो मैच जीत चुकी है और भारत भी अपना दूसरा मैच जीतकर अंक तालिका की शीर्ष तीन टीमों में जगह बनाना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 रन पर 3 विकेट खोने का नतीजा निकला था मंगलवार को कि कोटला के नेट पर रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जमकर पसीना बहाया है। भारतीय टीम का एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र था। चेन्नई में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव ने सत्र में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन चेन्नई में शून्य पर आउट होने वाले तीनों बल्लेबाजों ने जमकर अभ्यास किया। रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव ने भी इन दोनों के साथ बल्लेबाजी की है। अब अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ इस विश्व कप के पहले मैच में 6 विकेट से करारी हार मिली थी। यहां राशिद खान नहीं चले थे, क्योंकि अक्सर कहा जाता कि भाई वो जरूर चलते हैं। बावजूद इसके भारत इस टीम को हल्के में नहीं आंक सकता। अब तक भारत और अफगानिस्तान ने आपस में 3 वनडे खेले हैं। हम इतिहास की बात कर रहे हैं, जिसमें 2 में भारत को विजय मिली है, जबकि एक मैच जो था वो टाई रहा था। 3 में से 2 मैचों में अफगानिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। 2019 के विश्व कप मैच में मुजीब ने 1, नबी ने 2, राशिद ने और 1 विकेट लिया था। भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि बल्लेबाज इन तीनों स्पिनरों का किस तरह सामना करता है। चेन्नई के उलट कोटला की पिच विश्व कप के लिए नए सिरे से बनाई गई है। यहां हुए दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच पहले मैच में कुल 775 रन बने थे, उसमें कुल 3100 छक्के लगे थे। बुधवार को भी पिच रनों से भरी हुई मिलने की उम्मीद है, यानी कि आज की अगर बात करें, उम्मीद की जा रही है कि पिच जो है रनों से भरी हुई मिलने वाली है। टॉस थोड़ी ही देर में होने जा रहा है और कौन लेता है बैटिंग, कौन करता है बॉलिंग, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। जीतता कौन है ये भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। अब ऐसे में रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी के पास पहले मैच की विफलता को भुलाकर अपने को लय में लाने का अच्छा मौका है। तो आज फिलहाल एक बड़ा मैच है अफगानिस्तान और भारत के दरमियान। आज तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित कोहली जो है तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, विक्रम भी जुड़े। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। ललित जी, आज के मैच से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के जो मैच है, क्योंकि सारी विश्व की नजर इस मैच के ऊपर होगी और निश्चित तौर पे आज टॉस का बहुत अहम रोल रहेगा, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगाने की कोशिश करेगा और दबाव बनाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे आज टॉस की जो है बहुत अहम भूमिका रहेगी। और हिंदुस्तान की बात की जाए, जिस तरीके से उनका ओपनिंग स्टैंड फेल हुआ था पिछले मैच में, उससे उनको सीख के आज इस मैच में उन गलतियों को ना दोहरा के नए सिरे से मैच को खेलना पड़ेगा। देखना होगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा और ईशान किशन हिंदुस्तान की ओपनिंग साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। खैर विक्रम जी, आपका रुख करना चाहूंगा। विश्व कप 2023 के अभियान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के साथ आगाज करने के बाद टीम इंडिया कब अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान पर आज उतरने जा रही है, क्या उम्मीद जता रहे हैं आप? शहबाज जी, पहले तो नमस्कार आपको और खबर फास्ट के सभी दर्शकों को। और जैसा कि हमने पिछली बार बात की थी, पिछला वाला मैच तो बहुत ज्यादा टफ था और उसके अंदर भी भारत निकाल के ले गया। और जब मैच चल रहा था और जो इनिशियल ओवर्स में भारत ने 2 रन पे 3 विकेट खोए, उसके बाद एक झटका लगा और उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल मैच को निकाल के ले जाते हैं, तो उसने ये तो प्रूव कर दिया कि इंडिया की जो नर्व्स हैं वो स्टील, दे आर प्लेइंग विद स्टील नर्व्स, तो वो तो बहुत स्ट्रांगली खेल रहे हैं। दूसरी बात है, जो यहां तक इस मैच की बात की जाती है, अगर आप देखें बॉलर के लिए इस ग्राउंड पे जो नया पिच दिया गया है उस पर कुछ भी नहीं है, ग्रीन टॉप है, बॉल बहुत ही अच्छी तरह आ रहा है। क्रिकेट में हमेशा एक आ जाता है कि बैट्समैन के लिए जो हम पहले सोचते थे कि तेज गेंद खेलना मुश्किल होता है, आजकल मशीनों पे प्रैक्टिस करके बैट्समैन ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें जितना तेज गेंद खेलने को मिले उन्हें अच्छा रहता है, उतना ही स्कोरिंग होता है। 750 रन एक मैच में अगर बने हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बैट्समैन के लिए तो, बैटर्स के लिए तो फीस्ट है। हाँ, यहाँ पे चैलेंज होगा बॉलर को प्रूव करना कि कौन कितना कामयाब है। जब आपको स्पिन नहीं मिलेगा तो आप अपनी लेंथ और वेरिएशन से। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उससे वाकिफ करा देते हैं। टॉस हो चुका है और अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला यहां पर लिया है, कैसे देखते हैं आप इसे?
विक्रम जी यही फैसला, यही अगर शहबाज जी अगर यही फैसला भारत को लेना होता तो भारत भी यही लेती, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट विकेट है और बहुत रनों से भरपूर है, बट कंपैरेटिवली मैं ये बोलूंगा कि भारत के पास चेज करने की क्षमता है और बैटिंग लाइनअप बहुत डीप है। अब डिपेंड ये करता है कि शार्दुल ठाकुर को खिलाया जाता है या नहीं, क्योंकि हो सकता है इस मैच के लिए अश्विन को शायद रेस्ट देंगी टीम, शार्दुल या शमी को यूज किया जा सकता है। जी ललित, आपके और करना चाहूंगा, जो फैसला अफगानिस्तान ने यहां पर लिया है उसको कैसे देखते हैं आप, और पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले महामुकाबले से पहले भारत इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा। वहीं अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की टीम भी जीत की पटरी पर लौटना जरूर चाहेगी। देखिए जैसे मैंने जिक्र किया था कि टॉस का बहुत अहम रोल रहेगा और वही हुआ कि अफगानिस्तान ने भी टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी लिया। निश्चित तौर पर वो भी चाहेंगे कि इस पे बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके, लेकिन जैसे कि मेरे सहयोगी ने कहा है कि अब बॉलरों के लिए चैलेंजिंग टास्क होगा कि वो कितने स्कोर पे अफगानिस्तान को रोक सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनको एक लिमिटेड स्कोर पे रोकते हैं तो जो आपका हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 14 अक्टूबर को जो मैच होना है तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, लेकिन आप अफगानिस्तान को भी हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की टीम अफगानिस्तान पिछले कई समय से उभर के आई है वो किसी टीम को कड़ा मुकाबले देने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों की क्षमता की आज चुनौती होगी कि किस तरीके से आज हिंदुस्तान का बॉलिंग अटैक, अगर शुरू के बॉलर अगर अर्ली ब्रेक थ्रू देते हैं जैसे कि मैं हमेशा जिक्र करता हूं, तो निश्चित तौर पे अफगानिस्तान बैकफुट पे जा सकती है, लेकिन अगर कहीं हमारे बॉलर इसमें चूके तो अफगानिस्तान एक अच्छा स्कोर बना के हिंदुस्तान को चुनौती दे सकता है। तो मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान के बॉलरों के लिए ज्यादा संघर्ष करने का दिन है। और जहां तक 14 अक्टूबर की बात, देखिए उसकी निगाह हिंदुस्तानी पूरी विश्व की नजर उसके ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पिछला मैच कल अगर आप देखें किस खूबसूरत अंदाज में जीता है, निश्चित तौर पर उनकी भी चेजिंग पावर बड़ी है। रिजवान ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया है, उनको भी कोहली कहा जाता है जिस तरीके से कोहली ने खत्म किया था पिछला मैच, तो मुझे लगता है कि आज के मैच के बाद जो नजर होगी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच की होगी, क्योंकि दोनों ही मैच जीतने में सक्षम है, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। बड़ी खबर, थोड़ी देर में भारत अफगानिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। अफगानिस्तान ने टॉस हालांकि जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अफगानिस्तान की तरफ से लिया गया है। वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में अब भारत अफगानिस्तान का मुकाबला होगा। भारतीय जो बल्लेबाज हैं और जो बॉलर्स हैं वो अपना दमखम दिखाने के लिए पूरे तैयार हैं, और वहीं अफगानिस्तान भी पूरी तैयारी करते हुए दिखाई दिया, जो अब बल्लेबाजी करने का फैसला यहाँ पर लिया है। तो ठीक है, अब विक्रम जी आपके और वापस शुरू करना चाहूंगा, जिस तरीके से ललित जी ने भी जिक्र करा, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में टीम इंडिया एक और जीत के साथ भारत बनाम पाक मुकाबले से पहले जरूरी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहेगी, और आज से बड़ा मौका तो हो नहीं सकता कोई। बिल्कुल, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा शहबाज जी, जैसे अफगानिस्तान ने बैटिंग पहले ली, इससे एक भारत को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने नेट रन रेट के अंदर बढ़ोतरी लेने की, क्योंकि अगर हम देखें अफगानिस्तान जो है भारत के साथ अभी तक 3 ODI खेला है, ज्यादा मैच खेला नहीं है। वो लोग ज्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं, नो डाउट नोएडा के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी इस टाइम जो क्वालिटी है, उनके काफी सारे प्लेयर जो है हमारे IPL में खेल रहे हैं, उनका एक एक्सपोजर अलग लेवल का हो चुका है। मेंटली प्लेयर्स अगर आप बात करेंगे मुजीबुर रहमान की, राशिद खान की, तो बहुत ही अच्छे बॉलर्स हैं, और इनफैक्ट राशिद खान तो एक अच्छे ऑलराउंडर मैं कहूंगा, जब चाहे तो वो रन भी जोड़ सकते हैं। तो भारत को चाहिए कि उन्हें कम से कम स्कोर पे रोके, जैसा कि ललित जी ने भी बोला कि अगर इंडिया उनको अंडर 250 रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 450 रन वाली टीम, तो इंग्लैंड तो एक ऐसी टीम है वो 400 किसी भी ग्राउंड पे मार सकती है, जैसा उन्होंने पिछली बार किया, श्रीलंका ने उसके अगेंस्ट 350 रन लगाए। तो भारत को चाहिए, जैसे भारत के पास बॉलिंग अटैक है, बुमराह, सिराज, अगर ओपनिंग में अगर अच्छा ब्रेक थ्रू आप निकाल देते हैं, उसके बाद कुलदीप यादव है, इसमें ग्राउंड की जब हम बात करते हैं रन ज्यादा क्यों आते हैं, दो कारण हो जाते हैं। एक तो हो जाता है कि विकेट आपका स्पिन में साथ नहीं देती, दूसरा ये हो जाता है कि बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। सामने की 68 मीटर की बाउंड्री है और स्क्वायर बाउंड्री जो है 65 मीटर की है, तो ये दुनिया की इस टाइम सबसे छोटी बाउंड्री है, जो न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स पे किस टाइम में बोली जाती थी, आज की डेट में उनसे भी हमारी ये छोटी बाउंड्री है। और बॉल तेज आते ही एकदम फ्लैट, तो चौका जो है छक्के में जाता है, और जो कैच होती है बड़े ग्राउंड पे बाउंड्री में, वो छक्के में तब्दील हो जाती है। तो रन्स तो दोनों से आएंगे, यही है कि आप अपनी फील्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है ललित जी, आपकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं जानूंगा। ललित जी एक सवाल ये भी है कि भाई अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, अफगान टीम भारतीय मैदान पर पहली बार टीम इंडिया के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलने जा रही है, तो क्या मैदान में वो कॉन्फिडेंस दिखाई देगा? देखिए हार के बाद जो जुनून आता है ना वो एक अलग ही तरीके का होता है, और
अफगानिस्तान जैसे कि आपने बोला हारी है, उनका आज आप हल्के में नहीं ले सकते। हार के बाद का जो मजा आएगा ना इस मैच में, वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि हारा हुआ घायल शेर जो है ना वो बहुत घातक होता है। तो मुझे लगता है कि आप इस मैच को हल्के में ना लें, अपनी पाकिस्तान की प्रिपरेशन को समझे कि अगर पाकिस्तान अगर पहले खेलता तो आप उनको कितने पे आउट कर सकते हैं, वही ये सोचे कि अफगानिस्तान अगर बैटिंग पहले कर रही है तो आप कितने पे उनको आउट कर सकते हैं। ये चैलेंजिंग टास्क है, मैं वर्ड ये यूज कर रहा हूँ कि चैलेंजिंग टास्क है कि आप कितने कम स्कोर पे उनको आउट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उस दिन टॉस जीत के बल्लेबाजी की तो आप उनको कितने पे आउट करेंगे। तो यहाँ आज हमारे बॉलरों की है, और उसके बाद देखना है कि कितने स्कोर जो बनाते हैं उसको हमारे बैट्समैन कितने कम ओवर में चेस करते हैं, क्योंकि आखिर में बात जब भी आएगी नेट रन रेट पे आएगी, तो आपको वो मैच जीतना है वो भी कम ओवरों में। तो यहाँ आज हिंदुस्तान की बैटिंग और बॉलिंग दोनों की परीक्षा देखने को मिलेगी हमें। तो मतलब इंडिया वार्म अप के तौर पर इसको ना ले, है ना, पाकिस्तान से। विक्रम जी आपके और आना चाहूंगा, भारत और अफगानिस्तान के। ललित जी आप ललित जी ने जैसा कहा बिल्कुल, आप किसी भी मैच को इस टूर्नामेंट के अंदर वार्म अप की तरह ले ही नहीं सकते, क्योंकि राउंड रॉबिन लीग है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो किससे हार रहे हैं किससे जीत रहे हैं। देखिये दो तीन टीमें हैं जिनको आप हल्के में नाम ले सकते हैं, नीदरलैंड बोल सकते हैं, अफगानिस्तान बोल सकते हैं, बट वो इतनी क्षमता रखती है किसी को भी हरा सकती है। हमें याद रखना पड़ेगा कि नीदरलैंड जैसी टीम वेस्ट इंडीज के ऊपर क्वालिफाई होकर आई है, तो वो भी कोई टीम छोटी नहीं है। अफगानिस्तान की जैसे ललित जी ने बात की, अफगानिस्तान ने अभी एशिया कप के अंदर एक शिकस्त दी है श्रीलंका जैसी टीम को, तो कुछ भी हो सकता है। आपको क्रिकेट को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। पहला वही है जो ललित जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि पहले तो भारत को उन्हें कम से कम रोक पे कम से कम रनों पे रोकना है, करीब 250 से नीचे रोकना चाहिए, और उसके बाद भारत को एक दृढ़ शुरुआत करनी चाहिए जिसके अंदर अगर पहले 15 ओवर में भारत अच्छे रन बना लेता है, और उसके बाद टारगेट करे अपने CRR जो है करंट रन रेट को और एक नेट रन रेट को ऊपर ले जाने की, क्योंकि वो लॉन्ग रन के अंदर ये टीमें ही हैं जो आपको देके जाएंगी कि बड़ी टीम के साथ अगर आपके आसपास के मुकाबले होंगे तो उसके अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको, और चेज करते हुए हमेशा नेट रन रेट हम बेटर बना सकते हैं। ठीक है ललित जी, एक एक, एक बात का अफसोस है, मुझे लगता है कि आपको भी जरूर होगा, इस मैच में भारत को शुभमन गिल का साथ नहीं मिलने जा रहा, जो डेंगू से पीड़ित है और चेन्नई में एडमिट है, मैच से बाहर है, पहला मैच भी उन्होंने नहीं खेला था, क्या इसका कितना नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है भारत को? देखिए नुकसान तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नहीं जिसको भी खेलने का मौका मिलेगा उसे अपनी क्षमता प्रूफ करनी पड़ेगी। ईशान किशन के पास एक बहुत बड़ा मौका है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने आप को साबित करने का, जो कि पिछले मैच में चूक चुके हैं। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल जब भी फिट होंगे खेलेंगे, लेकिन उससे पहले जिस भी खिलाड़ी को मिले इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उसको दोबारा नहीं मिलेगा अपने को प्रूव करने का। तो मेरे को लगता है कि किस्मत ने ईशान किशन को चांस दिया है कि वो अपनी क्षमता जो कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट में या ODI सीरीज में अभी तक करी है वो इसको प्रूव करें। तो मुझे लगता है किसी के खेलने ना खेलने से फर्क नहीं पड़ता, जब 11 प्लेयर टीम के अंदर ग्राउंड में आ गए तो वही आपकी दी बेस्ट टीम कहलाती है। निश्चित तौर पर शुभम गिल की कमी खलेगी, लेकिन बाकियों को भी तो प्रूव करने का मौका मिल रहा है और उन्हें करना भी चाहिए। कहीं खुशी कहीं गम। ठीक है, टीम इंडिया को इस मैच में, विक्रम जी आपसे सवाल है, पहले बड़ा झटका ये लगा कि भाई शुभमन जो है वो डेंगू है उन्हें और वो इस मैच में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे में दूसरे मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन का सलामी बल्लेबाजी करने के लिए उतरना तय है। दूसरी तरफ अपने पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार को भुलाते हुए अफगानिस्तान की टीम इस मैच में खाता खोलना जरूर चाहेगी। देखिए खाता खोलना तो वो चाहेंगे, हर टीम जो आती है जीतने के लिए आती है। इस जमाने में जब भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम में इंडिया की भी उतनी ही वैल्यू आंकी जा रही थी जितनी आज अफगानिस्तान को समझा जा रहा है कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। हमने वो 1983 मूवी में भी देखा है, और उस टीम ने हमेशा यही बात की है कि हमें हल्के में लिया जाता था और हमने बहुत लोगों को सरप्राइज कर दिया, चाहे वेस्ट इंडीज था या इंग्लैंड था, तो इसलिए उनको तो हल्के में लेना नहीं चाहिए। जहां तक आप बात करते हैं शुभमन गिल की, ईशान किशन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली पिछले मैच में, जो कि मैं कहूंगा उन्होंने वेस्ट कर दी। एक बहुत ही लूज शॉट खेल के, एक इस लेवल के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर जा रहे हैं आप ऐसा नहीं खेल सकते, बट आप कहेंगे कि उनके पास स्किल बहुत अच्छा है, टैलेंट बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। मैच्योरिटी ओवर द पीरियड आती है किसी प्लेयर के अंदर, उन्हें झटके लगते हैं, टीम में आते हैं जाते हैं, उससे वो सीखते हैं। उनको एक बात और समझनी चाहिए, अगर आज मैं ईशान किशन की जगह पैड करके ग्राउंड पे उतरता हूं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि उनसे भी एक बड़े प्लेयर सूर्य कुमार यादव वो बाहर बैठे हुए हैं और इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी इस बेसिस पे मिल रही है। एक तो ये लेफ्टी हैं और ओपनर बैट्समैन हैं, जो कि सूर्य कुमार यादव ओपनर नहीं है, तो इसलिए इनको एडवांटेज मिला है, तो इसको इन्हें बुनाना ही चाहिए। दूसरी मैं एक और बात करना चाहूंगा आपसे शहबाज जी की, एक और आंख रहेगी श्रेयस अय्यर पे। श्रेयस अय्यर जो है पिछले मैच में उन्होंने भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे और
दूसरी तरफ अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें तो काफी लूज शॉट था, क्योंकि उनकी बारी आई थी दो विकेट गिरने के बाद, तो उनको भी बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। और ये दोनों प्लेयर काफी उम्दा हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनके अंदर एक्सपीरियंस भी आप कह सकते हैं, स्किल बहुत अच्छा है, और श्रेयस अय्यर तो जाने जाते हैं अच्छा स्पिन को खेलने के लिए। और अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए आपको कम से कम तीन अच्छे स्पिनर खेलने को मिलेंगे। तो भारत की स्ट्रेटेजी रहेगी कि इनिशियली पावर प्ले के अंदर पेसर्स को अटैक करें नई बॉल के साथ। ठीक है ललित जी, आपके और रुख करना चाहूंगा, एक अहम बात यह भी है कि भाई अफगानिस्तान के स्पिनर भारतीय टीम को परेशान करने का मादा रखते हैं, उनके पास राशिद खान, मुजीबुर रहमान और मोहम्मद नबी जैसे स्पिनर हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितने कम स्कोर पे हिंदुस्तान को रोक पाएगा उतने ठीक है, अगर उन्होंने कहीं अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो हमारी चेजिंग में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इनके कई प्लेयर हमारे आईपीएल खेल चुके हैं और उनको पूरा अनुभव है कि हिंदुस्तान के प्लेयरों को कहां गलती करके आउट किया जा सकता है। मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया है कि आज चेजिंग करने वक्त हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि यही स्पिन गेंदबाजी आपको पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के स्पिनर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान आज अच्छा स्कोर करके हिंदुस्तान को बॉलिंग में अपना रुख साफ करने को दिखाई देगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे भी मेरे सहयोगी मित्र ने कहा कि पहले तीन बल्लेबाज जो हमारे उस दिन जीरो पे आउट हुए थे, अगर वो आपको सॉलिड स्टार्ट देते हैं तो चाहे कितना बड़ा टोटल हो, कितने अच्छे स्पिनर हो, आपको जब तक सॉलिड स्टार्ट नहीं मिलेगी तो आपका मध्य क्रम और निचला क्रम के बल्लेबाज उस स्कोर को चेज नहीं कर पाएंगे। किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिलता है तो आप कोई भी रन चेज कर सकते हैं या बना सकते हैं, या फिर आपको अगर ओपनिंग बॉलिंग में अगर अर्ली ब्रेक थ्रू मिलता है तो आप दूसरी टीम की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आज कंपटीशन बिटवीन ओपनिंग बॉलर और ओपनिंग बैट्समैन के बीच में देखा जाएगा। आप हर बारी विराट कोहली से भी उम्मीद नहीं कर सकते कि वो चमत्कार इनिंग खेल के जिताएंगे, या केएल राहुल से भी चमत्कार की नहीं कर सकते। बाकी प्लेयरों को भी अपना सहयोग देना पड़ेगा, तभी ये टीम गेम खेल जाती है और तभी आप विश्व कप के ऊपर जाकर कहीं फाइनल खेलने की उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब सब सहयोग करेंगे और बेहतर क्रिकेट खेलेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तभी जाके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, सभी के सहयोग की जरूरत है। विक्रम जी, आपके और रखना चाहूंगा, विश्व कप में भारत और अफगानिस्तान सिर्फ एक बार 2019 में आपस में भिड़े, और यहां भी इन्हें तीनों स्पिनर्स ने भारतीय बल्लेबाजों को जमकर परेशान किया था। इसके चलते भारत मोहम्मद शमी की हैट्रिक की बदौलत सिर्फ 11 रन से जीत पाया था। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बट मैं एक आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड की बात कर रहे हैं, ये ट्रैक पे स्पिनर को मदद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घास से भरा हुआ विकेट है, विकेट पे जो घास रहता है तो बॉल जो है तेजी से आता है, बॉल का ग्रिप करना बहुत जरूरी होता है एक अच्छे स्पिनर के लिए। अगर यही तीन, अगर आप मेरे को बोलते कि बॉलर भारत को चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम में खेलने को मिलते तो शायद भारत के लिए बहुत दिक्कत हो जाती। वहां पे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत से इसीलिए थोड़ा कम भारी रह गया कि उनके पास स्पिनर्स जो थे, जैम्पा थे, जैम्पा को आते ही इन्होंने अटैक कर दिया, और मैक्सवेल माना जाता है कि टेम्परेरी स्पिनर है, एक टाइम पास स्पिनर है, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट अगर ये स्पिनर, अगर आप भारत, मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के भी है, और उनके कैप्टन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग नेट्स के अंदर बेहतर स्पिनर खेलते हैं, नेट्स में उन्होंने इसलिए बोला कि उन्होंने बोला कि हम अपने स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक चीजें होती हैं। और जैसा ललित जी ने कहा, दे हैव नथिंग टू लूज, वो कुछ भी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और इन सब के बीच में एक, अगर आपको याद हो जो आईपीएल के दौरान हुआ था, नवीन उलहक और विराट कोहली, वो भी एक स्मोक झोंक को तो कोई नहीं भूल सकता, वो भी काफी पॉपुलर चर्चा चल रही है। तो ये सब मनोवैज्ञानिक चीजें हैं, अदरवाइज भारत की बैटिंग उनकी स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए बहुत सक्षम है। अच्छा, शुभमन गिल की गैर मौजूदगी में ईशान किशन के कंधों पर बतौर ओपनर रन बनाने का भार तो जरूर होगा ना आज, विक्रम जी? बिल्कुल उनके पास उनके ऊपर बहुत भार है। पहला उनको एक अच्छा इनिंग खेलना है, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन है, अगर वो नीचे उतरते हैं, ऊपर उतरते हैं, सॉरी पावर प्ले के अंदर उनको दो तीन ओवर गेंद को देख के उसके बाद अटैकिंग मोड में खेलना चाहिए, क्योंकि वो उनका नेचुरल गेम है। अगर आप किसी भी एक प्लेयर को, जो उनका गेम है, अगर आपने देखा इतने साल सहवाग या सचिन का जो गेम था, सहवाग का अगर अटैकिंग था तो आज भी यही कहते हैं कि मुझे चाहे कोई कितना भी रोकता था मैं अटैक करता था। और ईशान किशन को भी इसीलिए रखा गया, ईशान किशन अटैकिंग गेम खेलेंगे और उम्मीद करता हूं कि वो एक बड़ा स्कोर देंगे जिसके अंदर वो अपने आप को प्रूव कर सके और भारत को एक हिम्मत भी मिले, क्योंकि अभी भी तीसरे मैच के लिए, भारत पाकिस्तान के मैच के लिए ये तय नहीं हुआ है कि शुभमन गिल आ पाएंगे। जरूर उनकी आज ग्राउंड पे छुट्टी हो गई है, डेंगू के बाद उठना और प्लेटलेट काउंट के बाद जो बॉडी में उनके वीकनेस है उसके साथ आके 50 ओवर फील्डिंग करना, और एज ए आपको लगता है कि मतलब इतनी जल्दी वो रिकवर कर पाएंगे और पॉसिबिलिटी है कुछ? जी, बहुत मुश्किल है ये, ऐसा ही होगा कि अगर आप, जैसे कहते हैं ना कि एक
एक अच्छे प्लेयर को अगर आप खराब नहीं करना चाहते, आप उन्हें दो मैच रेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है। एक टीम ने 9 मैच खेलने हैं, अगर आज भारत जीत जाता है तो भारत का 3रा मैच है और भारत के पास प्लेयर्स हैं। आप मान के ये चलिए कि एज ए कैप्टन अगर मैं रोहित शर्मा की जगह हूं और शुभमन गिल पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं, ठीक है, तब भी आपको मैच तो जीतना ही होता है बाकी 10 खिलाड़ी से भी। और ऐसा नहीं है कि भारत एक खिलाड़ी कम से खेलेगा, भारत ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव किसी अच्छे प्लेयर को लेके ही उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ। भारत को चाहिए कि शुभमन गिल को हम रेस्ट दें, उनकी बॉडी रिकवर हो और आगे जो बड़े मैच है जैसे कि इंग्लैंड के खिलाफ है, श्रीलंका के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, तब तक उनकी फिटनेस पूरी हो और वो आए और अपना बराबर खेले। ठीक है ललित जी, अफगानिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ इस विश्व कप के पहले मैच में 6 विकेट से करारी हार मिली थी। यहाँ राशिद खान चले नहीं थे, बावजूद इसके भारत इस टीम को हल्के में नहीं आ सकती। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि अब तक भारत और अफगानिस्तान में आपस में 3 वनडे खेले जिसमें 2 में भारत को विजय मिली है जबकि 1 टाई रहा। 3 में से 2 मैचों में अफगानिस्तान ने भारत को कड़ी टक्कर दी है। देखिए मैं 3 मैचों की तो बात बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि वो एक सीरीज थी। अब ये वर्ल्ड कप जो है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, पर अफगानिस्तान पिछला मैच जीती है। देखिए मैं हर टीम जो मैच हारती ना वो अगला मैच जीतने के लिए 200% टक्कर लगा देती कि भी जीत के आ जाए, और वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज अफगानिस्तान बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान इस मैच को निकाल देगा, लेकिन आप अफगानिस्तान को हल्के में मत दीजिए। वो सीरीज थी, ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का जुनून हर प्लेयर के सिर पे चढ़ाता है कि मुझे इसमें परफॉर्म करके एक नेशनल हीरो बनना है। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान को सबसे पहले हिंदुस्तान का टारगेट होना चाहिए कि 250 रन के नीचे किसी तरीके से उनको आउट करें, रोके, और हिंदुस्तान भी कम ओवर में करके अपने नेट रन रेट को बहुत बेहतर करे। क्योंकि देखिएगा वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आखिर में सिर्फ नेट रन रेट पे ही बात आती है और कुछ नहीं आती। ये चीज हमने 1996 वर्ल्ड कप में भी देखा था और भी देखा जब पाकिस्तान एकदम ऊपर उठ के वर्ल्ड कप उठा के ले गया था, श्रीलंका बीच में आ गई थी। तो मुझे लगता है कि आज का मैच बहुत बहुत अहम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी ज्यादा आज के मैच को जीतना दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। चले ललित जी, वाइंड अप का समय हो गया है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, स्कोर की क्या उम्मीद कर रहे हैं? विक्रम जी मैं आपको इस बात का जिक्र भी कर दूं, आपको बता भी दूं, ललित जी जब जब जो भी संभावना जताते हैं लमसम उसके आसपास स्कोर होता है। ललित जी फिर मैं विक्रम जी से भी पूछूंगा। 200 और 225 के बीच में मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके का हिंदुस्तान अटैक है अगर इसके ऊपर बनाता है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की गेंदबाजी के ऊपर सवालिया निशान खड़ा होता है। इतना बड़ा अटैक अफगानिस्तान जैसी टीम मैक्सिमम 225 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है विक्रम जी, फाइनल कमेंट आपका सर 10 सेकंड। मेरा ये कहना है कि करीब 250 रन पार करेगा अफगानिस्तान क्योंकि उनके पास ठीक ठाक बैटिंग है, 250 और 275 के बीच में रहना चाहिए जो भारत के लिए कंफर्टेबल चेस रहेगा, और उससे ऊपर अगर जाता है कोई भी 275 से ऊपर तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, बट भारत मैनेज कर लेगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। फिलहाल सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, इसके लिए तो करना होगा हमें इंतजार। मेरे साथ खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, नमस्कार। जुर्मा